हेलो दोस्तों। तो यार मेरी वीडियो ना थोड़ी लेट लेट आ रही है, तो मतलब अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इस वजह से मेरी वीडियो लेट आ रही है। मतलब दो दो दिन छोड़ के ही आएगी अब मेरी वीडियो। कभी कभी मैं एक दिन के बाद ही डाल दूँगा, लेकिन कभी कभी दो दिन छोड़ के आएगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी मतलब बिजी चल रहा हूँ। ओके तो यार, और हाँ तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 12 मतलब 10 लेसन नहीं, 12 लेसन लग जाएंगे इसे करने में, क्योंकि हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो मैं इस मतलब इस वजह से कुछ स्किप नहीं कर रहा मैं, तो इस वजह से लगभग 12 लेसन्स लग जाएंगे। लेकिन हाँ ये बात है, बहुत बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है देखो, अब ना मैंने ये कलर बनाया है जिससे ग्राउंड और तुम्हारा पानी वाला इलाका जो है वो सेपरेट होगा। तो इसमें वाइट और मैंने ब्राउन मिक्स करा है, जिसमें वाइट की क्वांटिटी तुम ज़्यादा रखना मिक्स करते वक्त, तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ये सेपरेट। ओके तो देखो मैंने सेपरेट पीछे करा है, और बिल्कुल पतली लाइन डालना, बहुत ज़्यादा पतली लाइन सेपरेट करने के लिए। ओके जैसे मैंने करा बिल्कुल। देखो तुम्हें और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे तुम्हें ना झाड़ी को दिखाना है, जैसे झाड़ी दो सेपरेट करने, वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ ना पीछे, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए तुम्हें पहले ऊपर ऊपर येलो कलर अप्लाई करना होगा उसके। तो देखो मैं जैसे ऊपर ऊपर येलो कलर अप्लाई करूँगा अभी, देखो करा अप्लाई, तो वैसे ही ठीक है। बस उसके ऊपर वाले इलाके पे येलो कलर करना है, और फिर उंगली से ऐसे जैसे मैंने हल्का किया वैसे हल्का कर दो कलर को। तो तुम्हें जब भी कलर हल्का करना होता तो उंगली से कर दिया करो। अब देखो, अब मैं लीफ ग्रीन ले रहा हूँ, और लीफ ग्रीन के साथ मैंने देखो सैप ग्रीन मिक्स करा। तो लीफ ग्रीन और सैप ग्रीन को मिक्स करके कलर बनाओ, और फिर उसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करो। ठीक है, क्योंकि वाइट कलर इसलिए मिक्स करो, उससे हल्का बनेगा, और फिर ऊपर ही झाड़ी के जस्ट ऊपर करूँगा मैं, तो वो भी रिफ्लेक्शन, सन की जो रिफ्लेक्शन आती है वो शो करने के लिए कर रहा हूँ, तो वो हल्का होना चाहिए ना इस वजह से। और पता है बिल्कुल उसी तरीके से करो जैसे तुमने करा, बस थोड़ा सा अगर तुम डॉट डॉट टाइप डाल सकते हो ब्रश से, तो डॉट डॉट टाइप डालो, क्योंकि झाड़ियाँ जैसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डॉट डॉट टाइप दिखती है बहुत दूर से, इस वजह से। तो देखो मैं ब्रश कैसे कर रहा हूँ, हल्का सा रखता हूँ उठाता हूँ, रख रहा हूँ उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, और यार झाड़ियों के लिए ज़्यादातर यही वाला पैटर्न चलता है। मतलब फ्लैट ब्रश से भी तुम ब्रश को रखो उठाओ, रखो उठाओ, मतलब एक तरह से थोड़े पैचेस टाइप जो होते हैं ना, पैचेस छोड़ो स्ट्रोक्स, जो मतलब बिल्कुल सामने की ओर जो स्ट्रोक्स लगते हैं ना वो, ठीक है तो वैसे देते हैं, और थोड़ा थोड़ा कहीं ड्राई ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं। अब देखो उस पर मैंने थोड़ा सा और वाइट करा, और फिर ना झाड़ी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मतलब मान लो पहले मैंने जो कलर अप्लाई करा था उसके और ऊपर थोड़ा सा वो कलर अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहले हल्का कलर उससे अप्लाई करा था ना, तो उससे भी हल्का कलर बनाया मैंने वाइट मिक्स करके, तो उसे और ऊपर अप्लाई करना है उसके, मतलब उससे कम एरिया पे, मेरा कहने का ये मतलब है। ओके अब देखो, अब जो ब्लैक कर रहा हूँ तो ब्लैक में नीचे नीचे कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने बताया था तुम्हें झाड़ी के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो डार्क होता है हमेशा, और ऊपर वाला पार्ट लाइट होता है, तो इस वजह से नीचे वाला पार्ट डार्क करा मैंने। तो डार्क करने के लिए सेम वही डॉट डॉट वाला प्रोसेस यूज़ करा मैंने, हल्का सा मतलब रखो ब्रश और उठाओ रखो, या फिर तुम राउंड राउंड भी चला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देना है तो डॉट डॉट टाइप में दो, उससे फिर तुम्हारा डॉट डॉट टाइप दोगे ना तो तुम्हारा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लुक उससे बहुत अच्छा आता है जब तुम डॉट डॉट करोगे। ओके और कहीं कहीं खुद ही यूज़ करो यार, जैसे देखो मैंने अभी ब्राउन यूज़ करा, ठीक है तो तुम भी यूज़ कर लो ब्राउन, ठीक है, और तुम रेड भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि दूर बहुत कुछ दिखता नहीं है, पर झाड़ियों में जैसे कुछ होता है ना, जैसे ब्राउन सा कुछ बीच में एक पेड़ सा हो, क्या पता तुम्हें, क्या पता बहुत दूर क्या है, तो इस वजह से क्या पता कोई जानवर घूम रहा हो, तो इस वजह से मैंने ब्राउन कर दिया। ठीक है यार, डार्कनेस शो करने के लिए, ठीक है तो इतना कुछ देखते नहीं है। ओके और अब जो जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखो, बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, जब मतलब झाड़ी को ना डार्क टू लाइट ले जा रहा हूँ, मतलब जैसे डार्क कलर सबसे पहले अप्लाई करा, उसके बाद उससे लाइट करा, फिर उससे लाइट करा सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, और एरिया कम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, मतलब जैसे सबसे पहले बहुत बड़ा एरिया करा, फिर उससे कम करा, फिर सबसे कम एरिया पे कर दिया। ठीक है, अब देखो अभी हम पेड़ बना रहा हूँ, तो पेड़ के लिए सबसे पहले तुम वाइट कलर अप्लाई करो, जैसे सिंपल देखो वाइट कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब उसके बाद पेड़ बनाने के लिए देखो सबसे पहले वाइट कलर अप्लाई करा, उसके बाद अब ब्राउन कलर अप्लाई करूँगा इस पर, फिर उसके बाद, और तुम्हें पता पेड़ बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, जैसे देखो तुमने पेड़ बनाया, उसके बाद जब तुम्हें ब्राउन कलर से तुम लाइन्स डालोगे ना इस पर, अब देखो मैंने ब्रश चेंज कर लिया, पतला ब्रश ले लिया है ना,
अब उसके बाद जब तुम लाइन्स डालोगे तो लाइन्स बिल्कुल सीधी सीधी मारना, ठीक है? अभी देखते रहना मैं कैसे करता हूँ। बिल्कुल देखो, लाइन देखो सीधी सीधी कैसे मारो, वर्टिकल लाइन्स मारो पेड़ पे हमेशा, ठीक है? देखो ऐसे बिल्कुल वर्टिकल लाइन। अब देखो मैंने सैप ग्रीन हल्का सा लिया, और फिर सैप ग्रीन भी कहीं कहीं सैप ग्रीन भी यूज़ करो, और फिर ब्लैक जहाँ तुम्हें डार्क लगे ना वहाँ ब्लैक यूज़ करो, और बाकी इलाके पे ब्राउन यूज़ करो क्योंकि वो खुद ही हल्का कर देगा। अब देखो सैप ग्रीन और मैंने थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करा और फिर वो अप्लाई करा, तो वो डार्क एरिया को मतलब शो करने के लिए मैंने ये कलर यूज़ करा, ठीक है? अभी मैं लास्ट में पेड़ थोड़ा सा और डार्क करूँगा। अभी मान लो पेड़ की सेकेंड लेयर हो रही है, फिर उसके बाद जब थर्ड लेयर कर दूंगा ना तो पेड़ बहुत मस्त लगेगा। तो देखते चलो, मैं बस सीधी सीधी लाइंस मार रहा हूँ पेड़ पे, और पूरी सीधी मत मार देना, कहीं पूरी सीधी मार रहे हो, हल्की हल्की ना, थोड़ी थोड़ी हल्की टेढ़ी टेढ़ी, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी रहनी चाहिए लाइन, मतलब थोड़ा सा कर्व आना चाहिए लाइन में बस। ओके हाँ, और एक चीज़ कोशिश करना तुम कि तुम्हारा जो पेड़ का है लेफ़्ट वाला पार्ट ना थोड़ा सा डार्क रहे, और राइट वाला पार्ट जो है पेड़ का वो लाइट रहे, क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन इसके राइट की तरफ आ रही है, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ भी करके लाइट ही देना होगा, ठीक है? वो वाला पार्ट। इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि लेफ्ट मतलब मेरा राइट वाला पार्ट जो है वो लाइट रहे और लेफ़्ट वाला पार्ट डार्क रहे। ओके, और देखो अगर तुमने गलती से राइट वाले पार्ट को अगर डार्क कर भी दिया मतलब गलती से, ठीक है, तो तुम्हें ना वाइट यूज़ कर देना उसके ऊपर, मतलब वाइट कलर लेना आराम से, और जहाँ पे तुम्हारा गलती से मतलब ब्राउन कलर यूज़ हो गया हो बीच में तो उसके ऊपर फिर तो वापस से वाइट चला दो, तो तुम्हारा लेफ्ट राइट वाला पार्ट मतलब खुद ही वहाँ पे लाइट हो जाएगा। ओके
फ्लैट ब्रश ले लिया, ठीक है, कोई मोटे नंबर का मतलब बड़े नंबर का फ्लैट ब्रश ले लेना, ठीक है, फिर उससे देखो कैसे करना है। पहले देखो मैंने ब्लैक कर लिया और बिल्कुल उससे ना फ्लैट फ्लैट बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के फ्लैट फ्लैट पैचेस मारो, ठीक है, बिल्कुल। देखो मुझे ना नीचे झाड़ी के डार्क करना है हल्का, तो देखो मैंने कैसे करा है, ब्लैक कलर में बिल्कुल हल्का हल्का अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने ड्राई ब्रश बताया था ना वैसी, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हें ना पतला ब्रश यूज़ करना और उसके ऊपर फिर डिटेलिंग करनी है, ओके। जैसे देखो मैंने तुम्हें दिखाया था शीट पे बिल्कुल वैसी, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। बस मतलब मान लो तुम्हें एक तरह से क्या करना है, बस लाइन को जैसे तुम्हें बिल्कुल ही कुछ भी चलाओ बस लाइन, ठीक है, या डॉट डॉट टाइप देते रहो। चलो तुम एक काम करो, डॉट डॉट टाइप देते रहो, ठीक है। जैसे मान लो डॉट डॉट डालते हैं ना शीट पे, तो डॉट डॉट डाली होगी, तुमने सुना होगा तुमने कभी डॉट पेंटिंग, तो इसमें मान लो झाड़ियों के लिए डॉट पेंटिंग ही करते हैं हम एक तरह से, ठीक है। पतले ब्रश को लो और डिटेलिंग करो बिल्कुल डॉट डॉट पेंटिंग, ओके। और कहीं कहीं करना है, ये देखो लीफ ग्रीन में यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और कहीं कहीं कर रहा हूँ ब्लैक पे, पूरे ये नहीं है कि ब्लैक पे, अगर मैं पूरे पे कर दूँ ना अगर मतलब ग्रीन ग्रीन, तो वापस मेरा ब्लैक वाला चीज़ मतलब जो ब्लैक कलर करा है वो छिप जाएगा और मेरे डार्क करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें ना थोड़ा सा मतलब झाड़ी की डार्कनेस भी दिखानी है और हल्का सा मतलब यहाँ पे जैसे झाड़ी की डार्कनेस दिखाने के लिए कहीं कहीं पे बस लीफ ग्रीन करो, ताकि पता लगे कि वहाँ पे पत्ते हैं। अगर तुम बिल्कुल ही डार्कनेस दिखा दो तो पता नहीं लगेगा। और देखो ये ब्रश का जो पॉइंटेड पार्ट है ना उससे करने की कोशिश करो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से, मतलब ब्रश को बिल्कुल ढीला पकड़ लो और बिल्कुल ऊपर से पकड़ो, ठीक है। प्रेशर इस वक्त बहुत कम डालते हैं, याद रखना, ठीक है। और पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया करो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ज़्यादा, ठीक है, ओके, ताकि तुम्हारा बस इतना हो जाए कि वो कलर ना बहुत स्मूथली चले तुम्हारा, ओके, वरना कहीं गलत गलत हो जाए इस वजह से। तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखो तो तुम सेम कर लोगे। और बाद में पता तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने ये कर दिया तो तुम्हें ऊपर वाले पार्ट को ना हल्का रखना होता है, तो ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा थोड़ा तुम्हें वाइट भी अप्लाई करना है, ओके। और जैसे मान लो मैं लीफ ग्रीन कर रहा हूँ, तो लीफ ग्रीन देखो मैंने आसपास इसके थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा रखा हुआ है, ताकि देखो मेरा नीचे वाला पार्ट हल्का सा डार्क लग रहा है ना, और ऊपर वाला पार्ट लाइट लग रहा है, तो वहाँ पे मैंने येलो वाइट ये सारी यूज़ करें, और नीचे बस मैं हल्के के लीफ ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी मैंने सिंपल ग्रीन यूज़ करा हुआ है, ठीक है, जो मतलब डार्क ग्रीन होता है सिंपल, वो वाला यूज़ करा है। और देखो थोड़ा सा ना लीफ ग्रीन में येलो मिक्स करो, और फिर उसके बाद ना जहाँ पे ऊपर की सन की जहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग करो। जैसे देखो मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ ना, बिल्कुल तुम्हें वही डॉट डॉट ही डालना है बस, ठीक है। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे वैसे करो, देखो बार बार मैं लीफ ग्रीन और येलो मिक्स करूँगा और फिर उसके बाद डिटेलिंग करूँगा ऐसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखो कि मैं कौन कौन से कलर कैसे मिक्स कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, किस जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरा क्या मोटिव है उस जगह अप्लाई करने का, ये भी सोचो कि मतलब ऊपर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि वहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है तो वो वाला पार्ट लाइट रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करो थोड़ा। और फिर ना उसके बाद देखो मैं लास्ट में वाइट करूँगा, और वाइट फिर उसके बाद ऊपर ऊपर ही करूँगा वाइट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल इसका राइट कॉर्नर पार्ट होगा ना, तो राइट अपर कॉर्नर, वहाँ पे ना मैं मतलब वाइट यूज़ करूँगा, ताकि सन की रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ आएगी, तो इस वजह से वो पार्ट बहुत ज़्यादा लाइट करना होगा मुझे, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे करो। अब देखो मैंने जो कलर बनाया था ना लीफ ग्रीन और येलो को मिक्स करके, उससे मैं देखो हल्का हल्का सा ना ऊपर ऊपर कुछ उसको ना उठा रहा हूँ, हल्की हल्की झाड़ियाँ ऊपर उठा रहा हूँ। देखो अब ना तुम्हें लीफ ग्रीन और येलो को मतलब लीफ ग्रीन में अब येलो थोड़ा ज़्यादा मिक्स करो, और डॉट डॉट दो उस पर वापस से, और डॉट डॉट ऊपर की ओर ले जाओ, और नीचे डॉट डॉट ज़्यादा दो और ऊपर की ओर पतला कर दो हल्का सा कलर, मतलब डॉट डॉट पतला कर दो ऊपर, जैसे नीचे चार पांच डॉट, फिर उसके बाद ऊपर जाते जाते दो तीन डॉट, फिर उसके बाद ऊपर एक डॉट, इस टाइप से, ठीक है, मतलब मोटे से लेके पतले की ओर जाना है तुम्हें, ठीक है। तो इससे तुम्हारा झाड़ी जो ऊपर मतलब जो पीछे वाले झाड़ी पे चढ़ रहे होंगे ना झाड़ी, वो दिख जाएगा, वैसा दिख जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ऊपर जो सन की रिफ्लेक्शन आती है तो उसकी वजह से लाइट होना चाहिए, वो दिख जाएगा। और फिर कहीं कहीं ना नीचे की ओर जैसे देखो मैं आया, और कहीं कहीं बस उसमें ना हर जगह मत करो फिर अप्लाई, जैसे सबसे ऊपर तो तुम्हें हर जगह ये वाला कलर अप्लाई करना था, फिर तुम जब नीचे आओगे ना हल्का मतलब ऊपर की साइड ही हल्का नीचे, तो वहाँ पे बस जो झाड़ी होगी ना उसके जस्ट सबसे ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे, जो कुछ कुछ मतलब पत्ते होंगे वहाँ पे, उसके सबसे ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैंने ना यहाँ पे ब्राउन कलर अप्लाई करा है, उसके बाद देखो अब मैं ब्राउन और येलो को मिक्स कर रहा हूँ, तो ये इसलिए मिक्स कर रहा हूँ मैं क्योंकि ना जैसे झाड़ियों में थोड़े से कहीं कहीं सूखे पत्ते होते हैं, तो वो शो करने के लिए मैंने यहाँ पे मेनली ये करा है, ओके।
इसे भी सेम जैसे डॉट डॉट वाले तरीके से बताया था मैंने, सेम वैसे ही करना है। देखो मुझे ना बार बार ही बताने की ये बात ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें ना झाड़ियों पे हमेशा डॉट डॉट टाइप ही करना है। ओके, सबसे इजी मेथड है। देखो तुम्हें ना बेस सेट करना है सबसे पहले, उसके बाद डार्क से करो, फ्लैट ब्रश से थोड़ा सा पैचेस स्ट्रोक्स मारो, उसके बाद फिर हल्के से थोड़ा सा उससे लाइट कलर जो तुम्हारा ग्रीन, ठीक है, उस कलर से तुम ना बिल्कुल पैचेस मारो हल्के हल्के, मतलब उसी कलर से, मतलब फ्लैट ब्रश से ही, और फ्लैट ब्रश से मतलब थोड़ा सेकेंड लेयर सेट करो, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड लेयर तुम्हें पतले ब्रश से आराम से देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे डार्क करो, फिर ऊपर वाले पार्ट पे लाइट होना चाहिए तुम्हारा, जो सन की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो पहले डार्क कर दो सारे, जैसे हर जगह ग्रीन कर दो, फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का ग्रीन करो अगर है तुम पे, नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा सा लीफ ग्रीन मिक्स कर दो बना के, मतलब जैसे ग्रीन और येलो मिक्स कर दो तो तुम्हारा लीफ ग्रीन बन जाएगा। उसके बाद बस ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा डार्क, फिर लाइट, फिर हल्का लाइट, फिर ऊपर की ओर जाते जाते बिल्कुल ही लाइट, ठीक है। और नीचे भी कहीं कहीं लाइट करना है, लेकिन जो नीचे सबसे, मतलब जो तुम्हारा डार्क वाला ग्रीन होगा ना, जो पत्ता, वो उसकी लाइन का सबसे जो आगे वाला पार्ट होगा, जो मतलब सबसे एज वाला पार्ट होगा, वहाँ पे येलो कलर या मतलब जो भी लाइट कलर अप्लाई करते हैं। ओके, देखो यार अभी ना मुझे दो तीन वीडियोज़ और लग जाएंगी ये करते करते, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एक तो ये मुश्किल ड्राइंग है, ठीक है, जो मैंने मतलब चुन ली गलती से, ठीक है। तो तुम्हें ना ये करने में, मतलब अगर तुम ये कर लो ना, तो उसके बाद इजी तो तुम कर ही लोगे, पहली बात ये, ठीक है। और दूसरी बात यार लेसन, जैसे मान लो पीछे के पीछे वाली जो झाड़ी वाड़ी है उसके लिए एक दो लेसन लगेंगे, फिर पानी के लिए कुछ लेसन, तो इस वजह से, ठीक है। तो तुम करते रहो बस, थैंक यू सो मच, बाय।